मौजूदा टाइम पे क्रिकेट बहुत तेज़ी से ग्लोबल होता जा रहा है, इसी वजह से क्रिकेटिंग कंट्री के बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मैच करवाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जिस तरह क्रिकेट की शोर बढ़ रही है, वैसे ही बोर्ड खिलाड़ियों से लेकर कोच तक की सैलरी में भी इजाफा करती जा रही है। बात है BCCI जितनी सैलरी इंडियन प्लेयर्स और कोच को देती है, शायद ही कोई और क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर पाए। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के उन 6 क्रिकेट कोच की बात करेंगे जिन्हें सबसे बढ़िया सैलरी पैकेज मिलता है। खिलाड़ियों की सैलरी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर पे हैं न्यूजीलैंड के गैरी स्टीड। न्यूजीलैंड के पहले रह चुके दिग्गज खिलाड़ी अभी कीवी टीम के कोच हैं। गैरी स्टीड को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड सालाना 1.73 करोड़ यानी 1,73,00,000 का पैकेज देती है। इनकी कोचिंग के दौरान न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी और अब ICC की ट्रॉफी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया से खेल रही है। 5वें नंबर पे है पाकिस्तान के मिसबाउल हक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच मिसबाउल हक भी सैलरी के मामले में टॉप 5 में शामिल हैं। वो पिछले साल ही मिकी ऑर्थर के बाद बतौर पाकिस्तान कोच चुने गए हैं। पाकिस्तान मिकी ऑर्थर को 1,52,00,000 की सालाना पैकेज देती थी, लेकिन अब मिसबाउल हक को PCB बोर्ड 1.79 करोड़ की तनख्वाह देती है। 4थे नंबर पे हैं मिकी ऑर्थर। मिकी ऑर्थर पहले पाकिस्तान के लिए और अब श्रीलंका के लिए कोचिंग कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के इस पूर्व क्रिकेटर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 3,44,00,000 की सालाना पैकेज दे रही है। ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 4 साल में श्रीलंका ने 9 कोच बदले हैं। बोर्ड और प्लेयर्स के बीच भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। 3रे नंबर पर क्रिस सिल्वरवुड हैं। जिम्बाब्वे टीम के पूर्व खिलाड़ी इस वक्त इंग्लैंड टीम के कोच हैं, जिन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 4,65,00,000 की सालाना पैकेज देती है। इनकी अगुवाई में इंग्लिश टीम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराने में कामयाब रही है। 2रे नंबर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर। ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर बतौर कोच अच्छी खासी कमाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इन्हें 4,67,00,000 की सालाना तनख्वाह देती है। जस्टिन लैंगर लगभग 3 साल से ऑस्ट्रेलिया के कोच बने हुए हैं। इनसे पहले कंगारू टीम के कोच डैरन लेमन ने बॉल के साथ छेड़छाड़ वाले विवाद के चलते इस्तीफा देकर ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग से किनारा कर लिया था। पहले नंबर पे हैं इंडिया के रवि शास्त्री। रवि शास्त्री की बात की जाए तो बतौर कोच सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में रवि शास्त्री सबसे ऊपर हैं, जिन्हें इंडियन प्लेयर्स के सालाना पैकेज से भी ज़्यादा सैलरी मिलता है। फिलहाल BCCI रवि शास्त्री को 9.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की सालाना सैलरी देती है। शास्त्री जी 2017 से लगातार इंडियन टीम के कोच बने हुए हैं। इन सब के अलावा सबसे कम सैलरी वाले कोच के लिस्ट में जिम्बाब्वे के कोच लाल चंद राजपूत हैं, जिन्हें 34,69,000 सालाना मिलती है। इसके बाद वेस्ट इंडीज के कोच फ्लोड रीफर, जिन्हें 62,45,000 की सालाना पैकेज मिलती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।